क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें माउंट आबू भेजा था ना, काम सौंपा था ना तुम्हें, काम छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई? मुझसे शादी करके तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे लिए मैंने 20 साल के संबंध, अपनी जॉब, अपना सब कुछ खोया है। और ये बात मुझे तुम दोनों का चक्कर समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम दोनों पति पत्नी हो फिर भी एक दूसरे से इतना झिझकते हो, इतना शर्माते हो। ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। ये बिल्कुल भी अच्छी है। हेलो। हाँ वाली। हाँ मैं मासी बोल रही हूँ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जी हम लोग शॉपिंग मॉल में। जय कहाँ है? वो मेरे साथ है। क्या खरीदा तुम दोनों ने? मासी वो मेरे लिए इतनी सारी चीजें, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही। तू खुश है ना बेटा? जी मैं खुश हूँ। चल मुन्ना से बात करा। मासी वो तो अभी ट्रायल रूम में है, मैंने उनके लिए शर्ट पसंद की है ना, तो ट्राई करने गए। चलो बेटा ठीक है, एंजॉय करो और एक दूसरे की पसंद की खूब सारी चीजें खरीदो। बाय बेटा। मासी क्या बात है, बहुत खुश लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चों के बीच में ऐसे ही प्यार बढ़ता रहे। अच्छा ऐसा करते हैं बीजी, हम लोग भी खाने का ऑर्डर यही दे देते हैं। वो तो अभी ट्राई करना है, मैंने उनके लिए शर्ट पसंद किया ना, ट्राई करना है। जी मैं छह दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, अभी मैंने गाड़ी में जाते देखा। ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने पानी से फोन से झूठ बोल रही थी। बीजी मुझे लगता है रोशनी इनकी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं इन दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। मासी मासी अचानक क्या हो गया आपको? मासी अरे पुत्र थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक थी, अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई इसकी। अरे बेटा मुझे लगता है यहाँ का मौसम बहुत खराब है, बहुत कमजोरी सी आ रही है। चिंता मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। डॉक्टर? अरे बेटा अरे डॉक्टर तो अंग्रेजी दवाइयाँ देगा, कोई रिएक्शन हो जाएगा, इस उम्र में नहीं।
तू ऐसे कर बेटा, तो मुझे मुंबई ले चल, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन मासी डॉक्टर तो, अरे तू चुप है, सुन, अरे इसको बम्बई की याद आ रही, घर की याद आ रही, कौन सी खो गई है ये बॉर्डर? वही। ठीक ठीक ठीक, मैं अभी यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करता हूँ, फोन दे। हेलो रिसेप्शन, मैं जय वालिया बोल रहा हूँ। हम लोग सब यहाँ से एक घंटे में चेकआउट कर रहे हैं। मुंबई की जो पहली फ्लाइट है उसमें 4 टिकट बुक कर दीजिए। दिस इज वेरी अर्जेंट। थैंक यू। कुड यू कनेक्ट मी टू मिस्टर जयवालियाज़ रूम प्लीज? जयवालिया तो आज शाम को ही चेकआउट कर गए। व्हाट? चेकआउट कर गए? कुछ पता है उन्होंने कि कहाँ जा रही हूँ? मैडम उन्होंने मुंबई के टिकट्स बुक करवाए और लास्ट फ्लाइट से मुंबई की भेज दी। सफर से आई, जरा पहले बैठ तो लीजिए आराम से। आइए आराम ले ना। हाँ बहुत ही खराब हो गई इसलिए। और जिज्ञासा मौसी के लिए अच्छा सा जूस बना के गया, मेरे हाथ का बनाया जूस मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करना जिज्ञासा बेटा, एक ग्लास लीजिए के लिए भी बना ला, ये भी तो बहुत थक गई है। अभी लाइन जो जरूरत है वो देख ले जरा, मैं ठीक हूँ। जा बेटा जा। चला मिस्टर वालिया आपको गोवा लेके गए हैं, आप कहाँ हैं, गोवा में या मुंबई? उन्हें पिया बस अभी वापस आए हम लोग। कैसा रहा आपका ट्रिप? ठीक था, तुम बताओ। ती मुझे आपसे मिलना है। पिया सब ठीक है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और पुष्कर कहाँ है? ती हम कल मिलते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। गुड नाइट पिया। मुस्कुरा
ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। मिस्टर वालिया ने तो कहा था ये शर्ट उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने फिर भी खरीद लिया। टोनी, गोवा से तुम्हारे लिए ये शर्ट लाया हूं गिफ्ट के तौर पर। बीचेस, वहाँ का खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी की। अगली बार हम दोनों साथ में जाएंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दीदी, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, सब पता चल रहा है कितना एंजॉय किया आपने। दीदी, मैं बिल्लो मास्टर नहीं हूँ, मैं आपकी रानू हूँ। मुझसे आप कुछ छुपा नहीं सकते। मिस्टर वालिया की हकीकत, जो रूप हमने देखा है वो मासी ने नहीं देखा। वो एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसे दूसरों को हर्ट करके खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ दीदी, ये सब सिर्फ मासी को दिखाने के लिए मिस्टर वालिया कर रहे हैं, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। दीदी, सच बात तो ये है, मिस्टर वालिया को अच्छे और बुरे इंसान का फर्क ही नहीं पता है। वो एक बहुत खुदगर्ज इंसान है। पता नहीं पापा ने क्या सोच के हमें यहाँ भेजा था। उन्हें तो दूसरों की खुशी के लिए जीना पता ही नहीं है। दीदी, मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरी बहन है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं किया आपने उनकी खुशी के लिए, और बदले में उन्होंने क्या किया? उनकी नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई। दीदी, मिस्टर वालिया एक ऐसे आदमी हैं जिनमें कोई इंसानियत है ही नहीं। ऐसी दीदी, आप ये झूठ मत बोलिए उनके लिए।
उन्होंने गोवा में आपके साथ क्या सलूक किया होगा? आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है कितना दुख झेला है आपने वहाँ। उन्हें क्या लगता है आपकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है? मैं उनसे बात करती हूँ। क्या समझते क्या है वो अपने आपको? मैं पूछती हूँ उनसे क्या चाहते हैं वो आपसे। शानो रुक जाओ। जिसका दिया खाती हो उसी को आंखें दिखाने चली हो। तुम बहनों जैसे एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं किया। एक मामूली घर से निकल सकती हूँ जिस घर की छत के नीचे तुम्हें आसरा मिला है उसे अपने बाप का घर समझ रखा। तब बातें सुन ली मैंने तुम्हारे। क्या कह रही थी अपनी बहन? अपनी बहन की इंसानियत के बारे में मामा जी से बात। मामा जी से मिलने की अपॉइंटमेंट ली या फिर सच में तुम उन्हें अपना जीजा समझने लगे? अपनी बहन की अच्छाई का सर्टिफिकेट लेके जाओ। बहुत तमाशा हो गया तुम लोगों का। मासी इस घर में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी औकात दिखाने की छूट मिली। आखिरी बात समझ रहा हूं, अगर इसके बाद तुम ऐसे किसी भी बहन ने कोई गलती की तो उस गलती का हर्जाना जिंदगी भर से करना। कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा मामा जी के साथ। चुपचाप अपने कमरे में मासी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूं। अरे नहीं बेटा, तू मेरे साथ मंदिर कहाँ चलेगी? तुझे तो आज बहुत सारे काम करने हैं। घर में रहकर पूजा की तैयारी करनी है। कैसी तैयारी मासी? आज घर में दोपहर में संकष्टी की पूजा है बेटा। वैसा कर, तिजोरी में से गणपति की और लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति निकाल ले और उसे साफ करके मंदिर में रखना। तो मासी क्या बात है बेटा, तिजोरी में मूर्तियां हैं ना? हाँ मासी, मूर्तियां तो तिजोरी में, लेकिन तिजोरी की चाबियां मेरे पास नहीं है। तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? चिक्यासा के। चिक्यासा? चिक्यासा के पास चाबियां क्या कर रही है? उसमें पहला हक तो तुम्हारा है ना बेटा। कहाँ है चिक्यासा? बुलाओ, मैं अभी बात करती हूँ उससे। मासी वो तो घर में नहीं है। कोई बात नहीं, आप पूजा करने जाइए। घर पे नहीं है तो कहाँ है? ऐसा कर उसे फोन लगा, मुझे उससे बात करनी है। मैं अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। मासी क्या बात है, आपने इतने अर्जेंटली फोन करके बुला लिया मुझे? जैसे ये वर हाफ सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मेरा इंतजार किया जा रहा है। सब ठीक तो है ना मासी? तिजोरी की चाबियां कहाँ है बेटा? मेरे पास है। चाबियां मुझे दे दो। क्यों, तिजोरी में से कुछ चोरी हो गया है क्या? वो चाबियां मुझे चाहिए। देखो बेटा, आज तक तुम इस घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती रही हो, अपना घर समझ के निभाती रही, लेकिन अब मुन्ना की बहू आ गई है, इस घर को संभालना उसकी जिम्मेदारी है। यही इस घर की परंपरा है बेटा। आज तक तुम बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाती रही हो, लेकिन आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारियां तुम्हें पाने को सौंपनी होगी। तो ये जिम्मेदारियां आज ही सौंप।